सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता मिनास, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषि वर्ल्ड। माय होप गाइस आप सब होंगे बहुत बेहतरीन, रख रहे अपनी फैमिली का ख्याल। तो गाइस, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि बिग मैन के थर्ड पार्ट चैप्टर करने के बाद अब हम इसके वो दो गाने भी करेंगे जो गाने हमने नहीं सुने, तो मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। मैं पहले इसका दूसरा चैप्टर दोनों ही डाल दूं, तो जब भी ये वीडियो आपको पहला चैप्टर मिलेगी तो तैयार हो जाना, इसका दूसरे चैप्टर पे भी रिएक्शन एकदम रेडी होगा। आप एक्साइटेड हो? हां, बहुत ज्यादा। तो मतलब पहले वाले से क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है जो सबसे आपने एंड में सुना था? सबसे लास्ट वाला सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आपने पहला नहीं सुना ना। मम्मी, पहला नहीं सुना मैंने, सबसे अच्छा लगा। मुझे इतना मजा आया ना उस गाने को देख के, मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने पूरी फिल्म देख ली है। अच्छा, ये बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी, बहुत अच्छा गाना, क्या मतलब वर्ड से अच्छा, गाना भी बहुत अच्छा है, उसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, उसका बहुत कुछ उसके अंदर, मैंने बता नहीं सकता। ज्यादा बात नहीं करते, पहले गाना देखते फिर हम इसके ऊपर ओपिनियन देते हैं। तो यार पहले हम इस गाने पे चलते हैं और अब देखते हैं कि आप हमें प्यार करोगे या नहीं करोगे। प्यार कर रहे हैं इसको, क्योंकि भैया आप ही कहने पे हम इसके पहले चैप्टर पे भी रिएक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले बताता हूं, अगर अब यहां तक अगर आपने नहीं करा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो मेरे दो चैनल है, एक रिएक्शन चैनल है, दूसरा ब्लॉग चैनल है। ब्लॉग चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो दोनों को ही सब्सक्राइब कर देना और बिना मोल के दोनों को ही लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबाना सीखोगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे आपके बताए गाने पे रिएक्शन देते रहे, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहीं से देखे हम आपके गाने पे रिएक्शन जरूर करेंगे। तो चले, बिल्कुल चलो जी, लेट्स गो। पहला चैप्टर देखते किस तरीके से होगा। दीदी, थोड़े जान तो बाद में जीना ही भूल गई सी, पर उदे प्यार ने मैनु जीना सिखाया, हंसना सिखाया। प्यार बंदे नु इन्ना बेबस कर देंदा कि बंदा चाह के भी अपने दिल ते काबू नहीं रख पांदा। सबसे पहला है, कदे कदे हालात इदा दे बन जांदे ने कि लगदा है प्यार ता सिर्फ अमीरा दा खेल है, गरीब ता बस हारदा है। चा मजबूरी च, चा प्यार च। तेरी पी एच डी ते पारू पै गया प्यार प्लस टू वाले दा। संग च लगदी यारो दे जद आखण पबी पबी, 2000 दे नोट जिहा फिका पै गया रंग गुलाबी। क्या बताए, कोकाए वे कोकाए तेरी यारी मित्रा कोकाए, औखाए वे औखाए तेरे बिना कुड़ी दाया खाए। क्या बताए, पहले कैसे प्यार हुआ, कैसे मिले, वो सारी चीज। जट जानवर दा तेरे तो मेरा लाइट ना लह लिए कहना, किसे होर ना हसदा वेख ले आना ओ रहनी ना तू रहना, किसे होर ना हसदा वेख ले आना ओ रहनी ना तू रहना। तो खाए वे, तो खाए वे, तो खाए वे, क्या होता है प्यार विच क्यों तो खाए, जाके कटिया पुछ के वेखी तारिया तो नाले। अजकल ता वफादार हीरा किथे लभदियां बैटरी मारिया, ओ नाले अजकल ता वफादार हीरा किथे लभदियां बैटरी मारिया। तो मौका ए वे मौका ए हले भी तेरे कोल मौका ए। क्या बात है, भाई साहब
ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਟਾਲ ਸਕਿਆ? ਖੈਰ ਸਮਝੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਲਈਏ, ਏਦਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹੀ ਸਮਝ। ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੋਕਾਏ ਵੇ ਰੋਕਾਏ ਕਲ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾ ਰੋਕਾਏ। ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਥਾ लाजवाब यार, बहुत बढ़िया यार, है ना? पहला गुड़िया लाजवाब एक्टिंग भाई, बहुत जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त। उसके कमी नशेड़ी होता था भाई। ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁੱਤ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੂਹਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁੱਤ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੂਹਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। So, यार दूसरा चैप्टर भी बहुत ज्यादा लाजवाब था। देखो ये दूसरा चैप्टर है जहां तक मम्मी मुझे लगता है, क्योंकि पूरी स्टोरी एकदम रैमिंग के साथ जुड़ रही है। और पहले चैप्टर पे भी हमने कर रखा, आपने वो भी देखा होगा, बहुत ही लाजवाब बहुत ही बेहतरीन, मतलब पूरी स्टोरी समझ आ रही है। पहले वाली स्टोरी में मम्मी को लग रहा होगा कि लड़की कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत है, बट मम्मी ने अब देखा होगा कि एक्चुअल स्टोरी क्या है, कहां लड़की बैकस्टेप हुई थी। और वहां पे अगर कोई भी अच्छी लड़की होती तो मुझे लगता है वो बैकस्टेप हो जाती। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया बहुत शानदार आर्मित की, यार मैं क्या बताऊँ, आर्मित की जो एक्टिंग है ना, लास्ट में जब दिखाया ना नशे के बाद जब हंस रहा था वो भाई साहब, मतलब दिल के आर पार हो गया मेरे को, मतलब देख के, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग। और लड़की बहुत खूबसूरत हो, और मतलब एक्चुअल प्यार दिखाया, मजबूरी दिखाई है लड़के को, एक हरामी लड़के को इन्होंने एक शरीफ लड़का बना दिया, पढ़ाई में तेज हो गया, वो लड़की इसको पूरा श्रेय दे रही है कि तेरे वजह से हुआ है। और एंड में आपने पहले वाले चैप्टर में देखा था, जो सबसे पहले हमने लास्ट वाला करा है कि लड़की की शादी हो जाती है, वो होती है अपनी बहन के पति के साथ ही, क्योंकि इस बच्ची का ख्याल रखना होता है। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन मज़ा आ गया। और आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूंगी कि अक्सर परिवारों में ऐसा होता है। हाँ, ये नेचुरल है, ये कोई वो स्टोरी वाली बात नहीं है। अक्सर परिवारों में ऐसा होता है कि अगर जब लड़की बड़ी खत्म हो गई है तो बच्चा है उसका, तो उस बच्चे की तरह माँ बाप देखते हैं और परिवार वाले देखते हैं। वो बोलते हैं कि इस बच्चे को माँ मिल जाएगी, और मौसी जैसी माँ तो कोई भी मिल ही नहीं सकती है। तो उसके जो लड़की, जो मेन जो लड़की होती है, उसके फ्यूचर के बारे में कोई नहीं सोचता, उस छोटी बच्ची के बारे में सब सोचते हैं, उस परिवार के लिए सोचते हैं, और कुछ दहेज के लिए भी सोचते हैं कि जो दहेज हमारा दिया हुआ वो देना नहीं पड़ेगा, उसी में सब कुछ निकल जाएगा। तो वो लड़की का जो अपना अपना जो वजूद होता है ना, वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है। और उसको कई बार ऐसा होता है कि लड़की भी वो बच्चे को देखती है तो उसको लगता है कि नहीं, मम्मी पापा जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मेरे को लगा कि ठीक भी था। और लड़के का जो दिखाया है ना, वो लड़के का लाजवाब, उसकी एक्टिंग इतनी, गाने के बोल, गाने के सुर बहुत जबरदस्त। हाँ, उसने कहा ना, रोका है रोका आज तेरी कुड़ी दा, रोका है। तो वाकई में उस टाइम वो सोचता है कि इसे मैं गोली से खत्म कर दूं, मार दूं, पर फिर सोचता है कि नहीं, मैं मार नहीं सकता। वो उसे मारता भी नहीं है, क्योंकि प्यार इसी का नाम होता है। कहते हैं ना कि किसी को देना ही सब कुछ नहीं होता, पाना ही सब कुछ नहीं होता, कभी खोना भी बहुत कुछ होता है। अच्छा, तो उसने उसको खोया है, तो उसकी खुशी को देखा है, कुछ छोटे से बच्चे को देखा है और उस परिवार को देखा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और लड़के का मैंने देखा ना, जो उसका पहले चैप्टर देखा था, तो उसमें मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़का मुझे नशेड़ी लग रहा है, और मेरे को, मैंने देखा नहीं था, मेरे बेटे ने मुझे दिखाया भी नहीं था, और मैंने वो जो अब देख रही हूँ ना, अब मुझे पता चल रहा है कि वो बिल्कुल बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत जबरदस्त गाने, बहुत जबरदस्त स्टोरी, बहुत जबरदस्त गाना, इतना जबरदस्त
कि बस तुम्हें मैं बता नहीं सकती, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यार मैं आपको बता देता हूँ, आर्नेट के ये जो बिग मैन की जो पूरी सीरीज है ना, बहुत ज्यादा लाजवाब है और आपने सब पे रिएक्शन देख ही लिया है और मजेदार है। तो मतलब पहली बार ऐसा हुआ है, हमने पहला और दूसरा बाद में करा, तीसरा पहले कर दिया, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। और मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि अब मुझे लगता है कि इसके बाद अब कोई नहीं आएगी इसकी सीरीज, पर ऐसे ही इनको एक और सीरीज निकालनी चाहिए। बहुत जबरदस्त इंस्पायर और मतलब मजा आ गया। आई होप गाइज आपने भी इसको बड़ा इंजॉय करा होगा। अगर आपने इंजॉय करा होगा, आप चाहते हो वैसे आपके बताए गाने भी रिएक्शन देते रहे, तो मुझे मेरे दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोनों को ही लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्या होगा हम आपकी सारे ही बताए गानों पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो अगर आप चाहते हो वैसे आपके बताए गानों पर भी रिएक्शन करें, तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि वहीं से देख के हम आपके गानों पर रिएक्शन भी जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।